अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर 27th लेक्चर। ओपन योर ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक, पेज नंबर 10, यूनिट नंबर 2, लेसन नंबर 4, सेंटेंसेस कंजक्शन। आज हमने करना है पार्ट 3। पंक्चुएट दिस पैसेज एंड चूज द करेक्ट कंजक्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब हमें इन्होंने इस बॉक्स में 4 वर्ड्स दिए हैं, हमने इनको यूज़ करके इस पैसेज को कंप्लीट करना है। अ स्लीपलेस नाइट, आई वॉज नॉट स्लीपिंग वेल बिकॉज आई वॉज ड्रीमिंग अबाउट द वुल्फ इन द स्टोरी। मैं अच्छे तरीके से सो नहीं रहा था क्योंकि कहानी में, इन द स्टोरी, कहानी में मैं क्या देख रहा था, वो ख्वाब देख रहा था। ये आई यूज़ हो रहा है, ठीक है, इसमें वो अपनी स्टोरी सुना रहा है। क्या कहता है कि मैं क्या वुल्फ के भेड़िए के बारे में ख्वाब देख रहा था। सडनली, अचानक, आई वोक अप एंड हर्ड अ नॉइस आउटसाइड द हाउस। कहता है अचानक मैं बेदार हुआ और किसकी आवाज़ सुनता है वो घर के बाहर से। इट साउंडेड लाइक द बिग वुल्फ, एट फर्स्ट आई वॉज अफेयर्ड। वो आवाज़ क्या थी, कैसी थी, एक भेड़िए की, बहुत बड़े भेड़िए की आवाज़, जैसे किसी भेड़िए की आवाज़ होती है। आई वॉज अफ्रेड, कहता है मैं डर गया था। सो आई डिडंट गेट आउट ऑफ बेड, आई ट्राई टू गेट टू स्लीप अगेन। कहते हैं इस वजह से मैं ना अपने बेड के इतना खौफ ज़्यादा हो चुका था कि वो अपने बेड से जो है हिल नहीं पा रहा था, उठ नहीं पा रहा था। तो कहते हैं मैं सोने की कोशिश अगेन एंड अगेन बार बार कर रहा था, लेकिन बट आई कुडंट। देन आई हर्ड द नॉइस अगेन। वो कहते हैं मैं सोने की जब कोशिश कर रहा था बार बार, लेकिन मुझसे सोया नहीं जा रहा था। वो कहते हैं मुझे देन आई हर्ड द नॉइस अगेन, दोबारा से वो आवाज़ दोबारा सुनता है। एंड और आई गोट आउट ऑफ बेड, वो कहते हैं मैं बेड से उठता हूँ। सो वेंट टू द विंडो, फिर वो देखें यहाँ पे विंडो पे जाता है। आई लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, विंडो से बाहर देखता है, बट आई कुडंट सी एनीथिंग। कहते हैं लेकिन मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता। देन आई सॉ एन एनिमल, कहता है तब मैं एक एनिमल देखता हूँ, जानवर देखता हूँ। अंडर द ट्रीज, दरख्तों के नीचे। इट वॉज नॉट अ वुल्फ, वो वुल्फ नहीं था, भेड़िया नहीं था। बिकॉज इट्स टेल वॉज लॉन्गर देन अ वुल्फ टेल, क्योंकि उसकी जो टेल थी, उसकी जो, ठीक है, जो टेल थी वो क्या थी, लॉन्ग थी। वुल्फ की जो टेल है वो स्मॉल होती है भेड़िए की, वो टेल जो थी उसकी क्या थी, लॉन्ग थी। सडनली इट रन अप द ट्री, सो आई सॉ इट वॉज अ मंकी, आई वेंट बैक टू बेड एंड वेंट टू स्लीप। कहता है अचानक वो जो है क्या करता है, दरख्त से, दरख्त के नीचे से जो है वो जब उठता है, भागता है, तो क्या वो देखता है कि वो जो है वो भेड़िया नहीं है, वो क्या है, वो एक मंकी है, ठीक है, वो बंदर है। तो कहता है मैं वापस अपने बेड पे जाता हूँ और सो जाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इसमें एंड, बट, सो और बिकॉज का यूज़ करना है और इस पैसेज को कंप्लीट करना है।